टिपरा गांव कालका में ट्रांसफार्मर से झुलसी लड़की की मां की गुहार, मुआवजा दे डिपार्टमेंट। बिजली बोर्ड एसडीओ ने घटनास्थल टिपरा गांव का किया दौरा। नगर परिषद कालका के वार्ड नंबर 5 के टिपरा गांव में वीरवार को 8 साल की लड़की बिजली के ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से झुलस गई थी, जिसे गंभीर हालत में सेक्टर 6 पंचकुला के जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को बिजली बोर्ड के एसडीओ और अन्य स्टाफ की टीम ने टिपरा गांव का दौरा कर उस घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां पर 8 साल की लड़की को बिजली का करंट लगा था और इस दौरान उन्होंने देखा कि बिजली का ट्रांसफार्मर का खंभा जो लोहे पर टिका हुआ है उस पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ऊपर नंगी बिजली की तारें खुले में ही छोड़ रखी है। यहां पर टिपरा गांव में समाजसेवी रवि सोनकर, चेतन अन्यों के साथ एसडीओ बिजली बोर्ड ने बातचीत की। लोगों ने इस पोल को हटाने और ट्रांसफार्मर को यहाँ से स्थानांतरण कर कहीं और लगाने की बात रखी। समाजसेवी रवि सोनकर और चेतन ने बताया कि एसडीओ ने बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की भी क्लास ली थी। यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही, नंगी बिजली की तारें, लोहे के पोल और कुछ भी ऊंचाई पर ट्रांसफार्मर और बिजली की नंगी तारें हटाने के लिए और इसे दुरुस्त करवाने को अधिकारियों और फोरमैन को निर्देश दिए कि इस कार्रवाई को जल्द अंजाम दिया जाए। इधर बिजली के करंट में झुलसी रिया की मां ने विभाग सहित जिला प्रशासन और सरकार से मुआवजे की मांग पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि विभागीय लापरवाही के चलते उनकी 8 साल की बेटी रिया करंट से झुलस गई थी, क्योंकि विभाग को पता होने के बाद भी यहां के लोहे का पोल खड़ा कर रखा है और बिजली का ट्रांसफार्मर मात्र करीब 4 फुट की ऊंचाई पर है, जहां पर चलते वक्त किसी का भी हाथ लग सकता है। भीड़ भाड़ वाले एरिया गांव में घरों के पास ही बिजली का ट्रांसफार्मर फिट कर रखा है और खंभा गली में खड़ा है। टिपरा गांव के लोगों ने विभाग को अपनी गलती मानते हुए यहां से बिजली का लोहे का पोल और ट्रांसफार्मर को हटवाने की मांग पर जोर दिया है, ताकि भविष्य में कोई और बड़ी दुर्घटना ना हो सके। सिंगल मदर है, इसका पति नहीं है, इसके 2 बच्चे हैं। ये बच्चे को पढ़ाएगी, इसके इसका इलाज करेगी, इसको इतना जख्म हो गया, इसका हाथ नहीं चल रहा है, ये क्या क्या करेगी। किराए के मकान में रहती है, कमाती है, इसका बिजली बोर्ड की लापरवाही की वजह से आज हमारे बच्चे के साथ ये हादसा हो गया है। और बिजली बोर्ड की तरफ से जेई और एसडीओ और फोरमैन आए थे, वो भी देख के गए हैं क्या हालत है बच्चे की, पूरा देख के गए, लापरवाही की हुई है, हमें मुआवजा दिया जाए बच्चे की, बच्चे का जो भी है इलाज के लिए, इलाज के लिए, इलाज के लिए मदद करो। पापा नहीं है इसके, इसका पापा है नहीं है, अकेली माँ है, ये परमाणु में प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, गरीब परिवार से है, किराए के मकान में रहती है, प्राइवेट कंपनी परमाणु में जॉब करते हैं। ये बच्ची दुकान पे सामान लेने के लिए गई थी, जो जिसकी वजह से करंट लगने के कारण, बिजली बोर्ड की लापरवाही के कारण ये बच्ची के बहुत मतलब बड़ी दुर्घटना होने से बची है, ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। और ये गरीब परिवार है, इनके लिए देखो, ये खाने के लिए भी बर्तन बांटे भी ऐसे पड़े हुए हैं, कोई इनके लिए मतलब खाने की भी वो भी नहीं है कुछ, इनके लिए मतलब कुछ मुआवजा दिया जाए,